तो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और भाई, आज है तीसरा दिन केदारनाथ जाने का। तो आपको पता ही, हम देवप्रयाग में रुक चुके थे और अब जा रहे भाई गंगा संगम देखने। हिमांशु भाई तो चले गए, मैं रह गया। तो अब चलते हैं धीरे धीरे जाके गंगा मैया को देखते हैं, जहाँ अलकनंदा बागे भी माता मिल रही है, गंगा बन रही है। तो चल रहे हैं। इतने में थक गया होगा तो पैर में दर्द हो गया बहुत ज्यादा। पैर में दर्द हो गया तेरे? जैसे पहले बोल रहा था आ गया, आ जा मेरे साथ ही। नीचे आ चुके हैं बहुत देर बाद और अभी चलते जूते उतार के घर। और ये देख सकते हो आप सब। और भाई भाई अपना वो शूट कर रहा है। और भाई मेरे तो सांस फूल गया भाई नीचे आते आते, क्योंकि भाई एकदम से आप नींद भी नहीं खुली, एकदम से भाई ने उठा दिया, तो इसलिए आँख खुल गई। अब मैं हो रहा हूँ नींद के नशे में। तो भाई अपना ड्रोन शूट कर रहा है, ड्रोन शूट कर रहा है, ड्रोन शूट भाई, ड्रोन शूट हो रहा है भाई। आप देख सकते हैं अलकनंदा बागरती माँ कितनी सिंपल थी। अलकनंदा माता को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब देख रहे हो कैसे बह रही है। तो चलो हाथ मुँह धोते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने अपने होटल की तरफ। चल भाई भाई, भाई फुल शूट कर रहा है, गोपो का फुल फायदा उठा रहा है। तो भाई भाई ने बंद कर दिया और मैंने मुंह हाथ धो लिया, जैसे कि देख लिया ऐसे करके फिर ऊपर उठा। ठीक है भाई, अभी उठा लेते हैं भाई। चलो भाई भाई व्लॉगिंग कर रहा है, जय हो मैया की। और भाई आप देख ही रहे हो, अब चलते हैं अपने होटल की तरफ। बहुत भीड़ है भाई, और जूते चप्पल बाहर ही निकालने की हो रही है भाई। करना पड़ता भाई, भाई कर भाई करना पड़ता मेरी जान। तो भाई अब चलते हैं अपने होटल की तरफ। गंगा मैया की जय भाई, करते गंगा मैया को भाई थोड़ी सी चढ़ाई करके, कम से कम 100-150 सीढ़ी चढ़ के सांस फूल की। और अब भी सीढ़ी हार के देख लो वो भाई, सच में सांस भूल गया भाई, स्टेमिना खत्म हो गया। हाँ भाई नीचे जाना भाई इजी था, तो वो तो था ही। और ये तो कुछ भी नहीं, जब केदारनाथ की चढ़ाई करेगा तब तो मेरे को तो भाई 10 घंटे लगे थे मैक्सिमम। और ये मंदिर ऊपर सीधी चढ़ाई है इस टाइप की, और ये रास्ता नहीं, यही जा रहा भाई। हाँ हाँ यही जा रहा मेरे भाई, यहीं का ही तो हूँ मैं, मुझे सारे रास्ते याद हो गए। भाई सीढ़िया, तो भाई ऊपर जाकर करता हूँ भाई, अपने चढ़ लेता हूँ तो बोलते बोलते सांस फूल जाएगी। फाइनली ऊपर पहुँच गए और भाई बहुत सांस फूल गई ऊपर आते आते, बहुत कम से कम 400-500 सीढ़ी थी, और वो भी बिल्कुल खड़ी एकदम से 400-500 थी भाई। और भाई 4-5 हज़ार थी भाई। और तो अब चलते हैं अपने होटल की तरफ, और भाई फिर चलते हैं आगे होटल के बाद। तो वीडियो में बने रहिए, बने रहिए। झूठ भाई, रूम में आ चुके हैं, भाई बोला था नहा रहा हूँ मैं भाई, हमें लगा ये नहाया हुआ मिलेगा। भाई तो सो रहा है अभी, जा रहा हूँ मैं अभी नहाने। तो चलते हैं नहाने, चलेगा कोई? नहीं नहीं नहीं
क्यों क्या चीते हो? छोटी बच्ची लग नहीं नई नई चीजें लगती है अच्छी, क्यों खिया वो छोटी बच्ची? पहाड़ों पे जो मिल जाए वो अच्छा है। भाई पूरी वूरी मंगाई है, चाय भाई ने पी लिया, पराठा, और भाई मैं निकल गया नहा के, और अब चलते थोड़ा, मतलब बहुत ठंडा पानी था एक तो, और भाई पूछो ही मत भाई, इतना ठंडा पानी था, बस नहाया भी नहीं गया, नहा लिया फिर भी नल के नीचे बैठ के डुन डुन करके ऐसे थे। तो अब चलते भाई अपना होटल से निकलने के बाद, आपको राइडिंग जैकेट पहन चुका हूँ, और भाई ये दोनों भाई फिर आज आप उसमें परेशान होंगे, मुझे तो कोई बैग टांगना बस। और भाई 100-150 किलोमीटर अभी बज रहे हैं 9, और ढाई दिन में पहुंच जाएंगे रुकते रुकते भी। तेरा आधार कार्ड मिल गया ना? हाँ जी आधार कार्ड मिल गया भाई, मैं तो आधार कार्ड ही भूल गया था अपना, होटल वाले को दे रखा था, एकदम से याद आ गया। तो अब चलते, दोनों बाइक रेडी हो चुकी है, और भाई वो मैं चलाऊंगा, ये भाई मानसो और निक्की भाई चलाएंगे, और भाई आज कह रहे फुल रिलैक्स होके जाऊंगा मैं, तू चला आज बाज, मैंने कहा ठीक है भाई। तो भाई अभी रिलैक्स ऐसा ना थकावट बिल्कुल नहीं हो रही है, चेतन भाई थकावट बिल्कुल नहीं हो रही, सब कहते हैं ना कि बाइक नहीं चला पाएगा, ये नहीं चला पाएगा, भाई तो आओ कभी मजा ले, बस बैग की दिक्कत है, बैग का भी दर्द नहीं है कभी अवेलेबल। तो भाई अब चलते अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और चलते बोल हर हर महादेव। तो भाई अब बताता हूँ मैं आपको ये सारी बात, मतलब हम चले थे देवप्रयाग से, आपको पता है कितने चले थे, ठीक है, और ये यहाँ की जो उत्तराखंड की पुलिस है अच्छी है, हर जगह खड़ी है, मोड़ मोड़ पे खड़ी है, और जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है वहाँ ज़्यादा खड़ी है, ठीक है। और भाई भाई मेरा ना फर्स्ट टाइम है, तो मेरे को ना थोड़ी बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि सब मेरे को ही देख रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना अच्छा लग रहा हूँ क्या मैं, थैंक यू, ठीक है। तो भाई यहाँ से 16 किलोमीटर रह चुका है रुद्रप्रयाग, हम रुके थे देवप्रयाग में, और भाई फुल ओह माय गॉड, और ये है ना नदी पाकिस्तान जा रही है टीरी डैम से जो, और ये धारा देवी माता का मंदिर, अरे फोटो शूट चल रहा है इनका। रुद्रप्रयाग 27-17, और जो मतलब ये मंदिर है ना अपनी जगह से नहीं हटना चाहता, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मूर्ति जहाँ पे रख दी तो रख दी, अब उसे हटाओगे तो भाई परेशानी तो होगी, इसलिए तो वापिस उस मंदिर दोबारा, वो जो मंदिर था उसे वही दोबारा कर दिया, उसके बाद जो बाहर था मतलब जहाँ की मूर्ति थी वो भी अंदर ही दिया माता की, और जाने का रास्ता तो नीचे था, इसलिए देखो यहाँ भीड़ हो रही है, तारा देवी माता का मंदिर आते हुए जाएंगे तो, और पता नहीं माता बुलाएगी नहीं बुलाएंगे, ये इनकी वजह से हो रहा है, रुक नहीं रहना है, कह रहे पहले बाबा के पास चलेंगे फिर माता के लिए, मैंने कहा चलो भाई ऐसे कर लेना जैसा भी तुम्हें ठीक लगे। और भाई धारा देवी में भीड़ देख लो आप, ये धारा देवी का मंदिर है, भीड़ देख लो आप कितनी सारी हो रही है, हर जगह भाई दूर दूर की गाड़ी आई हुई है, उत्तराखंड सॉरी उत्तराखंड क्या हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जो गुजरात, एक तो केरला की भी आई हुई है बस की बस, 2-3 बस आ रही है माता धारा देवी का मंदिर, धारा देवी माता की जय, ठीक है भाई। तो अब थोड़ा सा ब्लॉग को करते हैं, क्या करते हैं बताओ क्या करेंगे, ऑन ही रखूँगा वीडियो थोड़ी सी, आगे अच्छा नज़ारे आएंगे ना इसलिए। और हिमांशु भाई और निक्की भाई बैठे हैं, निक्की भाई को फिर बता दिया मैंने, क्योंकि भाई मेरे को चलानी थी, राइड करनी थी, बाइक चलानी थी, और मतलब भाई मैंने ना राइडिंग जैकेट भी पहन रखी है देखो आज, तो है ना, तो ऐसा सब मेरे को सोच रहे बहुत तगड़ा यूट्यूबर है, 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, ये है वो है, क्या पता हो भी जाए भाई, कुछ नहीं कह सकते ना भाई, धीरे गुम कहना कहना भगवान, पता नहीं किस बड़े बूढ़े का कहना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अभी 1200-1300 सब्सक्राइबर हो ही चुके हैं, क्या पता केदारनाथ की वीडियो हो जाए वायरल, सीधा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, विशाल भंडारा, ओए होए ये देखो, इसलिए कैमरा थोड़ा सा ऑन कर रहा था, राफ्टिंग हो रही है तो शायद, या बोटिंग हो रही है तो पता नहीं, यहाँ राफ्टिंग ही हो रही है शायद, मेरे को
भी ढंग से नहीं दिख रहा क्योंकि ये आ चुके हैं ना थोड़ा पहाड़ पत्ते वगैरह आ चुके हैं ना इसलिए। तो भाई हिमांशु भाई आवाज आ रही है मेरी? हिमांशु भाई आ रही है। तो हिमांशु भाई को आवाज आ रही है मेरी क्योंकि हमने ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखा है और ये गाड़ियाँ टायर पंचर हो गया इनका टायर भाई। ये तो माइक मेरा मुंह पे लगा भाई, माइक मेरे मुंह पे आ गया भाई। हाँ ये राफ्टिंग ही हो रही है और अच्छी पता नहीं कितने भाई राफ्टिंग ही तो है भाई। ये करनी है क्या आपको? आपको करनी है तो बताओ। नहीं नहीं भाई, भाई मेरा माइक थोड़ा है ना। चलो गाइस राफ्टिंग हम करते नहीं, हम दर्शन करने आए भोले बाबा और विष्णु भगवान के। हमने दर्शन कर लिए थे गंगा मैया के और चलते अब रुकते हैं सीधा रुद्रप्रयाग में। भाई माइक उड़ गया भाई, माइक उड़ गया गाइस। माइक यूर है ना कैसा लगेगा भाई? ए भाई अभी खोल लेता हूँ। ए भाई लगाना भाई कहाँ लगाऊँ भाई? हेलमेट उतार के देना पड़ेगा। तो भाई वीडियो करता हूँ यहीं पे बंद। अब दिखाता हूँ आपको बाइक का फ़ायदा। ऐसे चलते रहो बस चलते रहो, बाइकों का फ़ायदा दिखाता हूँ अभी आपको। ये भाई तो रुके हुए थे पता नहीं क्यों, पर देखो भाई गाड़ी इस भाई ने ना सामने वाले की गाड़ी में शीशा, इसका शीशा आपस में दोनों पप्पियाँ ले रहा था दोनों शीशों की, इसका शीशा और भाई गाड़ी वाले का शीशा। तो भाई वो चिल्ला के कह रहा है कैसे छेड़ रहा है भाई। ये फ़ायदा भाई बाइकों का देख लो भाई, इतने भरे जाम में। और ये पीछे भी हाल था बाइक वालों गाड़ियों का भाई, वहाँ तक जाम लग रहा था। मतलब एक थोड़ी सी छोटी रोड थी ना इसलिए जाम हो गया था वहाँ पे। अब हम तो बाइक वाले भाई बाइक राइडर थोड़ा स्लोली बाइक चलाएंगे। अरे भाई ऊपर देख रहा है पता नहीं किसको आवाज़ मार रहा है, भाऊ खड़ी होगी भाई के ऊपर तो भाई जाम हो गया है ख़त्म। अब देवप्रयाग रह चुका है यहाँ से 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर बाद करता हूँ ब्लॉग कंटिन्यू। तो भाई अपनी ब्लॉगिंग करता रहता भाई। हिमांशु भाई ये मेरा नहीं भाई, निक्की भाई का फ़ोन है। तो भाई अब अपने रेस्टोरेंट के यहाँ रुक चुके हैं, खाएंगे पियेंगे और भाई फिर यहाँ से दो घंटे बाद यहाँ से कौन सा प्रयाग, सोन प्रयाग। तो भाई अपना खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। भाई बैग तो निकाल ले, अच्छा इसलिए लगाई थी भाई। अब क्या करोगे फ़ोटो खींच के भाई, तुम्हारी फ़ोटो ही ख़त्म ना हो रही भाई। भाई फ़ोन काट दो भाई। हाँ तो भाई अपना खाते हैं पीते हैं और भाई मैं अब निक्की भाई चलाएगा गाड़ी। मेरी तो हो गया भाई कमर में दर्द साफ सीधी बात ये है ठीक है। तो अब क्या ही कर सकता हूँ मैं। तो भाई अब थोड़ा मैं इस पर बैठूँ अब ठीक है भाई। तो अब चलते हैं, खाना खाते हैं फिर रेस्ट करते हैं। खाना वाना खा लिया सबने और अब खा रहा भाई मानसू भाई कुल्फी। भाई मैं भी कुल्फी खा रहा हूँ बाबा, मैं जान मारे डेंगा लिया देख। तो अब खाना खाने के बाद क्या करना भाई थोड़ी देर रेस्ट करेंगे अभी, फिर थोड़ी देर में चलेंगे भाई। मैं तो आराम से बाइक पर बैठूँगा अब भाई। ये प्लान बन नहीं था हमारे, देखते हैं दर्शन तो कर लूँ भाई। सोन प्रयाग में चलते हैं अब थोड़ी देर में, रेस्ट करके तो सोन प्रयाग में मिलते हैं आपको।
हाँ मैं रुक जाऊँ ना, मैं भीड़ हो ही जाती है, एक बात तो देख रहा है, पूजा करनी चाहिए मुझे। I'm an icon, man, my girl about a 10. I should fuck her in the